ब्रूसली का जो पहला कोट है वो है, एम्प्टी योर माइंड, बी फॉर्मलेस शेपलेस लाइक वॉटर. इफ यू पुट वॉटर इन टू अ कप इट बिकम्स द कप. यू पुट वॉटर इन टू अ बॉटल एंड इट बिकम्स द बॉटल. यू पुट इट इन अ टी पॉट इट बिकम्स द टी पॉट. नाउ वॉटर कैन फ्लो और इट कैन क्रैश. बी वॉटर माई फ्रेंड. हम जब भी कुछ भी करने जाते हैं तो पहले से ही जो हम करने वाले हैं उससे रिलेटेड हमारे माइंड में बहुत कुछ भरा होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रूसली के ही स्टैंड पॉइंट से समझा जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट से बोल रहे हैं, तो आपका जो ओपोनेंट है, वो जो सामने वाला है, उसके बारे में आपके माइंड में पहले से कुछ भी नहीं होना चाहिए. पहले से प्री कंसीव नोशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है पहले से जो आप सोच करके जा रहे हो वो बंदा अपना स्टाइल ही चेंज कर दे. वो पिछले कई सालों से मान लो एक तरीके से लड़ रहा था, तो उसी के बेस पर तो आप अपने माइंड में ये बिठा सकते हो कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसे लड़ने के लिए. अब हो सकता है वो एक नई स्ट्रैटेजी बना करके आपके पास आ रहा है और आपको पता ही नहीं है. तो अगर आप पहले से ही अपने माइंड में ये बिठा करके जाओगे उससे लड़ने के लिए कि मुझे इस तरह से इससे लड़ना है, या फिर ये करेगा फिर मुझे ये करना है, तो आप हार जाओगे. तो वो क्या कह रहे हैं, एम्प्टी योर माइंड, मतलब जो भी वो करने वाला है उसके लिए तैयार रहो. नेवर हैव प्री कंसीव नोशंस इन योर माइंड अबाउट लाइफ. अगर वहां पे देखा जाए ब्रूसली के कॉन्टेक्स्ट में, तो ओपोनेंट है सामने कोई. अगर हम अपने आप से रिलेट करें तो हमारी लाइफ में क्या होता है, इस ओपोनेंट को हम क्या बोल सकते हैं, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी मुश्किलें आ रही हैं, तो उनको अपने पास्ट के नजरिए से मत देखो, नहीं तो आप फंस जाओगे. क्योंकि हो सकता है अब जो चैलेंज आया आपको आज, वो नया चैलेंज है. और हो सकता है क्या, हमेशा लाइफ नए चैलेंजेस आपके सामने लेकर के आती है. जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है, ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं. जो हमने सोचा भी नहीं होता है, ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं. तो अगर उन प्रॉब्लम्स के हमको सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो हमारा माइंड पूरी तरह से खाली होना चाहिए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो भी कुछ हमारे माइंड में पहले से भरा पड़ा है उससे. प्रॉब्लम को कैसे देखना है, या लाइफ में जो भी आप आज जिस भी सिचुएशन में हो और फंसे हुए हो, बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम फंस जाते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है, हम सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं अपनी मेमोरी के बेस पर और हम और फंसते चले जाते हैं. क्योंकि जो हमने पास्ट में किया उसी वजह से तो हम इस सिचुएशन में फंसे हैं. सोचो, हम अपनी थिंकिंग की वजह से ही तो फंसते हैं लाइफ में जाकर के एक ना एक पॉइंट पे. किसी बंदे की थिंकिंग ठीक नहीं थी, इस वजह से वो जो काम कर रहा है, मान लो कोई बिजनेस कर रहा है और उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, बट वो अपनी उसी थिंकिंग के बेस पे उसका सोल्यूशन निकालना चाहता है, कभी नहीं निकाल सकता, इम्पॉसिबल. पहले उसको अपनी ही उस थिंकिंग से फ्री होना होगा, क्योंकि उसकी ही थिंकिंग की वजह से उसके बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. उसको एक नई थिंकिंग चाहिए. अब नई थिंकिंग मतलब क्या, कि कुछ भी नया सोचने लग जाओ, नहीं. जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को एज इट इज देखना है, उस प्रॉब्लम के साथ में एक हो जाना है. जैसे पानी जिस रंग में डालते हैं उसी रंग में एक हो जाता है, पानी को जिस कप में हम डालते हैं वही फॉर्म ले लेता है. यही बात यहां पे कही जा रही है, यानी कि आप एक हो जाओ लाइफ में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ में. तो जब आप पूरी तरह से प्रॉब्लम के साथ में जुड़ जाते हो, आपका ध्यान, आप मतलब क्या, आपका ध्यान प्रॉब्लम के साथ में पूरी तरह से एक हो जाता है, तब उसी प्रॉब्लम में आपको सॉल्यूशन नजर आ जाता है. पानी की क्या खास बात होती है कि सामने जो भी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से एक्ट करता है. अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता बना लेता है, रास्ता छोटा है तो पानी छोटे से छोटा हो जाता है. अगर मान लो रुकावट बड़ी है तो पानी फुल फोर्स के साथ आता है और किसी भी तरीके से उसको तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है. तो पानी इज सॉफ्टर देन दी सॉफ्टेस्ट एंड हार्डर देन दी हार्डेस्ट एंड नॉट और. ज्यादातर लाइफ में या तो चीजें हार्ड होती है या सॉफ्ट होती है. पानी की क्वालिटी क्या है, इट इज lighter than the lightest, softer than the softest, and harder than the hardest. कि पानी अगर अपने पे आ जाए, जैसे कि सुनामी आती है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी उसके आगे नहीं टिक पाती है. और ऐसी ऐसी जगहें होती है जहां से कि निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, लेकिन वहां से पानी निकल जाता है. क्यों? क्योंकि इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज सॉफ्टर देन द सॉफ्टेस्ट. उसकी पहले से कोई फॉर्म नहीं है, पहले से कोई शेप नहीं है, तो इसलिए वो कोई भी फॉर्म ले सकता है, कोई भी शेप ले सकता है. जिसकी पहले से ही कोई फॉर्म है तो उसकी फॉर्म टूट जाएगी अगर उसको कोई नई फॉर्म लेनी है तो. अगर मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, दो रिलीजन्स हैं और उन दो रिलीजन्स की दो अलग अलग बुक्स हैं और दोनों में
कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं। अगर आपको दूसरे की बुक में से जो बातें सही हैं उसको सीखना है, उसको समझना है, तो पहले आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, पानी के जैसा होना पड़ेगा, जो दोनों रिलीजन्स में से एक रिलीजन को ही पकड़ करके बैठा होगा स्ट्रांगली, तो वो अपने ही रिलीजन्स की कमियां नहीं देख पाएगा, उस बुक में जो गलत है वो नहीं देख पाएगा, और उधर जो सही है वो नहीं देख पाएगा। बट अगर कोई पानी के जैसा है, यानी वो किसी एक को नहीं पकड़ रहा है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है, तो अब वो कोई भी बुक पढ़ सकता है किसी भी रिलीजन की, और उसमें से जो सही है उसको निकाल सकता है और अपनी लाइफ में उतार सकता है और अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आ सकता है। तो ये बात यहां पर कही जा रही है कि लाइफ में अगर आप एक्चुअल में ग्रो करना चाहते हो या फिर अनस्टॉपेबल होना चाहते हो इन द रियल सेंस, नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली, तो उसका सिर्फ एक तरीका है, यू नीड टू बी लाइक वॉटर। नेक्स्ट कोट इज, डू नॉट प्रे फॉर एन ईजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू एंड्योर अ डिफिकल्ट वन। डू नॉट प्रे फॉर एन ईजी लाइफ, क्यों? क्योंकि लाइफ तो ईजी है ही नहीं, तो अगर आप एक ईजी लाइफ के लिए प्रे कर रहे हो तो आपकी प्रेयर ही गलत हो गई, आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत हो गई, आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी हो गई जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। कोई इंसान तो क्या, भगवान भी आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर सकता। अगर आप कहते हो कि मुझे एक आसान जिंदगी चाहिए, आसान किसी की नहीं है जिंदगी। जो पैसे वाले हैं, मान लो कोई बच्चा है वो किसी बहुत पैसे वाले घर में पैदा हो गया, अरे उसकी अलग प्रॉब्लम्स है, और जो एक गरीब घर में पैदा हुआ है उसकी अलग प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर प्रे करना ही है भगवान से या जिसको भी आप मानते हो उससे प्रे करना ही है, तो ये करो कि हे भगवान, मुझे एक आसान जिंदगी मत दो, क्योंकि जिंदगी तो आसान है ही नहीं, मुझे स्ट्रेंथ दो कि मैं एक मुश्किल जिंदगी को भी एंड्योर कर सकूं, सह सकूं। यानी मेरी सहन शक्ति को बढ़ाओ भगवान, मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, मेरी पावर्स को बढ़ाओ, मुझे ऐसा बनाओ कि मुझे जिस भी माहौल में डाल दिया जाए, चाहे वो माहौल कितना भी अनकंफर्टेबल लग रहा है, मैं उसको सह सकूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए तो उसके लिए दर्द सहना पड़ेगा। तो भगवान से प्रे करना ही है तो भगवान से ये मत प्रे करो कि हे भगवान मेरे को एक अच्छी बॉडी दे दो। भगवान से प्रे क्या करना है कि हे भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं उस दर्द को सह सकूं जो दर्द मुझे होने वाला है जब मैं अपनी बॉडी को बनाऊंगा तब। लाइफ में जो मुश्किलें हैं उससे लड़ने की ताकत एकदम से नहीं आती है। तो अगर आपको एक आसान जिंदगी मिल गई तो हो सकता है आपको ये भी लगे कि मेरे साथ में अच्छा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा हो रहा है। क्योंकि अगर आपको थोड़ी थोड़ी मुश्किलें मिलती रहे लाइफ में, तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में आप इस लेवल पे आ सकते हो कि बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी टकरा सको। नेक्स्ट कोट इज, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। अगर इस कोट को हम ध्यान से समझे तो इसमें प्रैक्टिस को डिफाइन किया जा रहा है कि प्रैक्टिस का मतलब होता क्या है। जिसने प्रैक्टिस कर रखी है किसी एक काम की बार 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 बार, जब हम प्रैक्टिस करते रहते करते रहते करते रहते हैं तो क्या होता है, तो हम एक स्टेट में चले जाते हैं जिस स्टेट को बोलते हैं द स्टेट ऑफ फ्लो। और स्टेट ऑफ फ्लो में क्या होता है कि वो काम अपने आप होने लग जाता है। एक है आपको सोच करके एक काम को करना होता है तो बीच में एक फिल्टर आ गया। जैसे एक आदमी ने अगर एक किक की प्रैक्टिस 10 बार करी है तो अब अगर उसको उस किक को उसी जगह पे मारना है सामने वाले को, ओपोनेंट को, जिस जगह पे वो मारना चाहता है, मान लो नेक के यहां पर, तो उसको पहले सोचना पड़ेगा, वहां पर बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो शायद हिट कर पाएगा। लेकिन अगर 10,000 बार उसने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है या 1,000 बार प्रैक्टिस कर रखी है एग्जैक्ट उसी की, तो अब उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। या ये कह लो ये जो दिमाग लगाने का काम है ये इतनी तेजी से हो जाएगा कि पता भी नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि दिमाग लगा ही नहीं है, वो गैप बीच में से हट गया। यानी वो काम बहुत ही स्पीड से हो जाएगा, और स्पीड का ही सारा खेल होता है कि कौन सा काम कितनी स्पीड से हो रहा है, स्पेशली लड़ाई में जिस कॉन्टेक्स्ट में यह कहा जा रहा है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का डिफरेंस होता है कि जिस आदमी ने 10 बार प्रैक्टिस करी है, मान लो उसको वो किक सही जगह तक पहुंचाने में 1 सेकंड लगेगा, और जो दूसरा आदमी है उसको 0.5 सेकंड लगेगा। लेकिन ये 0.5 सेकंड का जो डिफरेंस आएगा वो इतना बड़ा है जिसकी कोई हद नहीं है, कि सामने वाले को 0.5 टाइम मिलेगा अपने आप को बचाने का, अपने आप को डिफेंड करने का। तो प्रैक्टिस से क्या होता है, प्रैक्टिस से आप एक
फ्लो की स्टेट में चले जाते हो। फ्लो की स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो काम अपने आप होने लग जाता है, बिना किसी एफर्ट के, बिना दिमाग लगाए वो काम अपने आप ही होने लग जाता है। जैसे कोई सिंगर है, उसने गाने को 1000 बार गा लिया है, अब वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, तो अब उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो गाना अपने आप उसके अंदर से निकलने लग जाएगा। तो यहां पे एक्चुअल में प्रैक्टिस को डिफाइन किया जा रहा है, व्हाट इज प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस जब भी हम लाइफ में करते हैं उसमें फोकस का बहुत बड़ा रोल है, नहीं तो वो प्रैक्टिस बेकार है। पहले आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे फोकस कहां करना है, और फिर जो भी उससे रिलेटेड नहीं है उसको मना करना होगा, उसको हटाना होगा। फिर जहां पर आपका फोकस है वहां पे रेपिटेशन चाहिए, बार 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 उसको रिपीट करना होगा। इनफैक्ट रिपीट हो ही जाएगा ना, जब आप कुछ और कर ही नहीं रहे हो और वही एक काम कर रहे हो, आपके पूरा माइंड बॉडी एक ही काम में लग रहा है, तो अपने आप ही आप उसमें मास्टर होते चले जाओगे। इनफैक्ट एक कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ओनली इन द राइट डायरेक्शन मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो दूसरा आदमी भी कर रहा है, 10,000 किक की प्रैक्टिस उसने करी है एक एक बार, तो प्रैक्टिस तो उसने भी करी है, और दूसरी तरफ से एक आदमी है जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार करी है। तो प्रैक्टिस से परफेक्शन नहीं मिलता है, प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ फोकस इन द राइट डायरेक्शन मेक्स द मैन परफेक्ट।